अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है वो मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में है कि फैमिली की डेफिनेशन क्या है। अगर कोई एम्प्लॉई की डेथ हो जाती है जो जिसको असिस्टेंट पैकेज मिलना होता है, प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज, तो उसके लिए फैमिली की डेफिनेशन क्या है, फैमिली में कौन कौन एग्जिस्ट करता है और कौन कौन एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा, बहुत से एम्प्लॉयज़ को नहीं पता होता कि उनके जो वर्षा हैं उनमें कौन कौन शामिल है, यानी जो विरासत का हक है। प्राइम मिनिस्टर पैकेज में मैं आपको स्पेशली बता रही हूँ, असिस्टेंट पैकेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो कि मिलता है उन उन एम्प्लॉयज़ को जिनकी ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाती है। तो अब बहुत से एम्प्लॉयज़ को ये नहीं पता होता कि जो लवाहिकीन हैं, जो उनके विरासत में हिस्सेदार हैं, उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का अप्रैल 20, 2011 का ये है ऑफिस मेमोरेंडम है, ओएम है, और इसका सब्जेक्ट है असिस्टेंट पैकेज फॉर फैमिलीज फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु डाई इन सर्विस। यानी जो ड्यूरिंग सर्विस जिन एम्प्लॉयज़ की खुदा ना खास्ता डेथ हो जाती है, तो जो असिस्टेंट पैकेज मिलता है फैमिलीज़ को, उस बारे में ये जो है वो लेटर है। द अंडरसाइन इज़ डायरेक्टेड टू रेफर टू दिस डिविजन्स ओएम ऑफ इवन नंबर डेटेड 13/6/2006 ऑन द अबव सब्जेक्ट एंड टू से दैट द डेफिनेशन ऑफ द फैमिली विद रिगार्ड टू लंप सम ग्रांट अंडर द असिस्टेंस पैकेज इज एज अंडर। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये 2006 के लेटर का हवाला दिया हुआ है, क्योंकि 2006 के बाद हमारे पास जो असिस्टेंस पैकेज आया था वो 2014 में आया था, इस वजह से ये 2006 का यानी बैक वाले ओएम का हवाला दे रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि लमसम ग्रांट, क्योंकि उस वक्त सिर्फ लमसम ग्रांट ही मिला करती थी, अब तो ये पैकेज काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन क्योंकि उस वक्त सिर्फ लमसम ग्रांट ही मिला करती थी, इसीलिए उसका हवाला दिया हुआ है कि असिस्टेंट पैकेज जो है वो फैमिली असिस्टेंट पैकेज, लमसम ग्रांट के असिस्टेंस पैकेज के लिए फैमिली की डेफिनेशन ये है, हस्बैंड वाइफ चाइल्ड और स्टेप चाइल्ड वेदर रिजाइडिंग विद द डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट और नॉट। यानी हस्बैंड होगा या वाइफ होगी, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई होगा उसका स्पाउस, मतलब हस्बैंड या वाइफ, चाइल्ड एक बच्चा और स्टेप चाइल्ड या जो स्टेप चिल्ड्रन होते हैं वो भी जाहिर बात है उनके उन्हीं के अंडर होते हैं, वेदर रिजाइडिंग विद द डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट और नॉट। यानी बेशक वो किसी और के साथ रह रहा है स्टेप चाइल्ड, यानी अपनी मदर के साथ या अपने फादर के साथ रह रहा है स्टेप चाइल्ड, लेकिन वो जो है डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट का अगर वो स्टेप चाइल्ड है तो वो भी असिस्टेंस पैकेज में से उसको भी हिस्सा मिलेगा। तो ये है फैमिली की डेफिनेशन। इसमें दादा दादी या फिर जो विरासत के दूसरे हकदार होते हैं जो इस्लामी कानून के हिसाब से, उस उन लोगों में ये जो असिस्टेंस पैकेज है ये डिवाइड नहीं होगा। प्रोवाइडेड दैट वाइफ हु हैज़ बीन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्वेंट और अ चाइल्ड और स्टेप चाइल्ड हुज़ कस्टडी द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ बीन डिप्राइव्ड ऑफ बाई लॉ शेल नॉट बी इंटाइटल्ड फॉर सच लमसम ग्रांट। यानी वो वाली वाइफ जिसको लीगली डाइवोर्स हो चुकी हुई है और जो स्टेप चाइल्ड उस वाइफ की कस्टडी में है और गवर्नमेंट सर्वेंट को उस की कस्टडी नहीं दी गई है, बाय लॉ नहीं दी गई है उसकी कस्टडी, उस चाइल्ड की यानी गवर्नमेंट सर्वेंट की कस्टडी में उस चाइल्ड को नहीं दिया गया है बाय लॉ, तो सिर्फ वो बच्चे और वो वाइफ उनको इस लमसम ग्रांट में से हिस्सा नहीं मिलेगा। लमसम ग्रांट मीन्स कि उनको ये इन सब उनको ये जो जितना भी असिस्टेंस पैकेज है इसमें से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। लमसम ग्रांट यहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा फिर बताती चलूँ कि लमसम ग्रांट यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो 2011 में ये लेटर आया था ये फैमिली की डेफिनेशन का ओएम जारी हुआ था, तो जब ये लेटर आया है फैमिली की डेफिनेशन का, तो एट दैट टाइम जो लमसम ग्रांट थी वो ही असिस्टेंस पैकेज में मिला करती थी, यानी लमसम ग्रांट के अलावा कोई ग्रांट नहीं मिला करती थी।
लेकिन आज जो असिस्टेंस पैकेज है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। आल मिनिस्ट्रीज डिविजन्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक फर्दर नेसेसरी एक्शन इन दैट मैटर अकॉर्डिंगली, यानी मिनिस्ट्रीज डिविजन्स को भी ये कहा गया है कि आप जो भी इसमें फर्दर एक्शन लेना चाहते हैं वो अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। सेक्शन ऑफिसर का प्रॉपरली साइंड लेटर है ये, एंड दिस इज द लेटर ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इस्लामाबाद अप्रैल 20, 2011। ये 2011 का लेटर है। अच्छा जी, अब ये लेटर मुझे पता है 2011 का है और असिस्टेंस पैकेजेस के बाद आया है। अब मैं आपको इसी हवाले से एक वफाकी मुहतसिब का केस भी दिखाती हूँ। वफाकी ये एक केस पिटीशन दायर की थी एक दादी ने, जो कि डिसीज्ड एम्प्लॉय थे उनकी वालदा ने, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि मुझे इसमें से, यानी जो पीएम पैकेज है उसमें से हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये वफाकी मुहतसिब में वो गए थे। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मैं आपको बता देती हूँ कि ये 4 दिसंबर 2019 है, यानी जब उन्होंने ये रजिस्टर करवाई थी अपनी पिटीशन। और कंप्लेंट नंबर और नेम ऑफ एड्रेस एंड कंप्लेंट ये मैंने सारा कार्ड दिया हुआ है। स्टैटिस्टिक्स डिवीज़न मैंने सिर्फ इस वजह से रखा है ताकि आपको पता चले कि ये जो थे ये फेडरल एम्प्लॉय थे, जो डिसीज्ड एम्प्लॉय थे ये फेडरल एम्प्लॉय थे। और ब्रीफ सब्जेक्ट नॉन पेमेंट ऑफ सर्विस बेनिफिट्स, यानी ये पीएम पैकेज में से ही हिस्सा लेना चाह रही थी। अच्छा जी, अब मैं फर्स्ट पैरा पढ़ती हूँ। यहाँ इनका नाम लिखा हुआ था, रेजिडेंट ऑफ रावलपिंडी स्टेटेड इन हर कंप्लेंट दैट हर लेट सन सर्व्ड एज जो भी इन डैश, यानी यहाँ महकमे का नाम लिखा हुआ था, ही डाइड ऑन 7/3/2017। हिज वाइफ हैड ऑलरेडी एक्सपायर्ड ऑन 3/9/2003, यानी 3 सितंबर 2003। Sons and a daughter of her deceased son had been married. Therefore, she is legally eligible for pensionary benefits and PM assistance package. Complainant requested that the agency be directed to make payment of above said benefits to her. Agency did not submit written report. Agency ne submit nahi ki hai written report. Yani ab ye bata rahe hain कि ये जो डिसीज्ड एम्प्लॉय हैं, इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो डिसीज्ड एम्प्लॉय हैं, ये 2017 में इनकी डेथ हो गई थी। 2019 में जो इनकी वालदा हैं उन्होंने ये पिटीशन दायर की थी कि उनकी जो डिसीज्ड एम्प्लॉय की वाइफ की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है 2003 में, उनका दो जो सन्स हैं और एक डॉटर है, सन्स एंड डॉटर जो हैं वो उनके मैरिड हैं, तो वो ये कह रही हैं कि इस वजह से वो लीगली जो हैं वो एलिजिबल हैं पेंशनरी बेनिफिट्स के भी और पीएम असिस्टेंस पैकेज के भी, यानी इन दोनों के लिए उन्होंने ये पिटीशन दायर की थी। और इन्होंने ये कहा था कि जो एजेंसी है, एजेंसी मींस कि जो उनका ऑफिस है जिसमें वो काम करते थे, इदारा है, उसको ये कहा जाए कि जो जितने भी बेनिफिट्स हैं वो उनको दिए जाएँ। और नंबर सेकंड पॉइंट ये है कि एजेंसी डिड नॉट सबमिट रिटन रिपोर्ट, एजेंसी ने जो है वो सबमिट नहीं की है रिटन रिपोर्ट। अब पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं। हेयरिंग इन द केस वाज कंडक्टेड ऑन 19/12/2019, यानी जो केस की हेयरिंग है ये कंडक्ट हुई थी 19 दिसंबर 2019 को। द एजेंसी वॉज रिप्रजेंटेड बाय, यहाँ पर वो एम्प्लॉय का नाम लिखा हुआ था, कंप्लेनेंट्स ग्रैंड सन अटेंडेड द हेयरिंग प्रोसीडिंग्स, यानी जो दादी थी उनका जो नवासा या ग्रैंड सन जो भी उनका पोता या नवासा था, उन्होंने ये हेयरिंग प्रोसीडिंग वो अटेंड की थी, ठीक है। ड्यूरिंग द हेयरिंग द रिप्रजेंटेटिव ऑफ द एजेंसी स्टेटेड दैट द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी has been made to the complainant lady, यानी वो उन्होंने हेयरिंग के दौरान उनको ये बताया कि जो पेमेंट है ग्रेजुटी की वो तो कंप्लेनेंट लेडी को मिल चुकी हुई है।
हु इज़ मदर ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय, जो डिसीज्ड एम्प्लॉय की मदर थी, एंड इज़ गेटिंग पेंशन ऑन बिहाफ ऑफ हर सन। और चूंकि उनकी वाइफ नहीं है, बच्चे मैरिड हैं, तो वो पेंशन भी उनके बिहाफ पर ले रही हैं। एज रिगार्ड्स पेमेंट ऑफ प्लॉट एंड लमसम ग्रांट इन कैश, द सेम कैन नॉट बी गिवन टू द मदर ऑफ डिसीज्ड एज पर क्लैरिफिकेशन वाइड OM नंबर 8/1/201/E-2 डेटेड 24/2011। जो मैंने अभी आपको लेटर दिखाया है, ये उसी लेटर का हवाला दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो पेमेंट ऑफ प्लॉट है और लमसम ग्रांट जो इन कैश मिलती है, वो उनकी मदर को नहीं दी जा सकती है। बाय द एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, यानी जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने ये OM जारी किया था, उसके बाद ये जो लमसम ग्रांट है, ये उनकी मदर को नहीं दी जा सकती। अकॉर्डिंग टू दिस OM, द सेट लमसम ग्रांट मे ओनली बी मेड टू द फैमिली ऑफ डिसीज्ड, यानी इस OM के अकॉर्डिंगली जो लमसम ग्रांट है वो सिर्फ जो डिसीज्ड की फैमिली को दी जा सकती है, एंड शी डज नॉट फॉल अंडर डेफिनेशन ऑफ फैमिली, और वो डेफिनेशन ऑफ फैमिली में फॉल नहीं करती हैं, फिट इन नहीं होती हैं। हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड और स्टेप चाइल्ड, उसमें सिर्फ हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड और स्टेप चाइल्ड ही फॉल करते हैं। एजेंसी रिक्वेस्टेड दैट द कंप्लेंट लॉज्ड विद WMS मे बी क्लोज्ड, तो वो एजेंसी ने ये रिक्वेस्ट की जो कंप्लेंट है उसको क्लोज कर दिया जाए। ठीक है, ये नंबर 4 है। इन व्यू ऑफ लीगल पोजीशन डिस्कस्ड अंडर पैरा 3 अबव द कंप्लेंट ऑफ मदर ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड अंडर द क्लैरिफिकेशन गिवन बाय द एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन फॉर कैश पेमेंट ऑफ प्लॉट एंड लमसम ग्रांट अलाउड टू द फैमिली ऑफ एम्प्लॉय हु डाई इन सर्विस, दिस केस इज देयरफॉर क्लोज्ड इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन नंबर 23(1)(b) ऑफ अफाकी मुहतसिब Investigation and Disposal of Complaints Regulation 2013। यानी इन्होंने ये कहा है कि जो ये सारे के सारे जो मैंने आपको पहले बताया कि इन व्यू ऑफ द पैरा 3 अबव, इन्होंने ये कहा है कि मदर जो हैं डिसीज्ड एम्प्लॉय की, वो डेफिनेशन फैमिली की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती हैं, इस वजह से वो लमसम ग्रांट उनको नहीं दी जा सकती, और जो प्लॉट की पेमेंट है वो भी उनको नहीं दी जा सकती। तो वफाकी मुहतसिब ने ये केस जो है वो क्लोज कर दिया। ठीक है, और जो ये जो फैसला है ये बच्चों के हक़ में हो गया था। ठीक है, यानी सिर्फ बच्चे ही प्लॉट के पैसे और लमसम ग्रांट जो है वो लेंगे। अप्रूव्ड ऑन 30th December 2019 वफाकी मुहतसिब, ये वफाकी मुहतसिब का जो ये फैसला है, ये उसकी कॉपी देख रहे हैं आप। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि फैमिली की डेफिनेशन में फॉल करते हैं सिर्फ बच्चे और बीवी, बीवी और बच्चे वो जो उससे लीगली सेपरेट ना हुए हों, जो लीगली सेपरेट हो गए हों, पहले ही उस की कस्टडी में ना हों, तो वो फैमिली की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।